साल से रेलवे बोर्ड पर मान्यता में AIRF 100 ईयर्स आजादी के पहले से 1923 से वो मान्यता पर है। और कन्हैया जी बहुत बड़े पावरफुल है और कन्हैया जी जिसे इनके इशारे पर ये रेलवे बोर्ड चलता है और उसको अगर ये रेलवे है तो ये सरकार तो आज आई है, ये गवर्नमेंट तो आज आई है। इसके पहले भी गवर्नमेंट थी, इसके पहले भी ये गवर्नमेंट थी। तो उस समय भी करे। दूसरा रेलवे बोर्ड से ये 20% देने का रेलवे बोर्ड से है, रेल मंत्री का नहीं है, रेलवे बोर्ड से ये आदेश जारी हुआ। ये तो मान्यता में है, ये तो चाहे अगर तो 2 दिन के अंदर उसको कैंसिल करा सकते हैं ईमानदारी से अगर प्रयास करेंगे तो। ये तो कहना कि मंत्री जी कारण चले जाओ वो अलग बात है, हम लोग मंत्री के पास जाते हैं कि आप नीचे भेजिए, जब नीचे आता है तो नीचे जाते हैं उनके पास। और लेकिन हमको कहा जाता है आप मान्यता में नहीं है, आप मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है इसलिए आपसे बात नहीं करेंगे। फिर भी आपके विश्वास पर हम उससे करते, ये तो मान्यता प्राप्त यूनियन, इनको तो दबाव बनाना चाहिए उसके ऊपर और ले जा करके। और आप लोग अच्छी बात है, देखिए जोनल स्तर पर GM का स्पेशल पावर, ये GM की स्पेशल पावर है, रेलवे बोर्ड का नहीं है। लोकल स्तर पर आप दबाव बनाएंगे और वहाँ का यूनियन अगर आपके समर्थन में रहेगा तो ये जो स्पेशल पावर पर जो भर्ती होती है उस भर्ती में आपकी भी शेयर बने, ये लोकल यूनियन ही लोकल लेवल पर करा सकती है, जो हम लोगों ने एनी रेलवे में कराया है। और कन्हैया जी जिस रेलवे में है वो नहीं करा पाए, बहुत पावरफुल है लेकिन हम तो मान्यता में वहाँ भी नहीं है। आप बताइए ना एनी रेलवे का एक भी अप्रेंटिस दिखा दीजिए यहाँ पर। अब जा करके 2 साल से कुछ अप्रेंटिस हमारा बेकार है वहाँ। हम लोगों ने हर साल भर्ती करवाई है, हर साल, क्योंकि मैं उस रास्ते से आया हूँ और कैसे होता है ये हम जानते हैं उसको लेकर के। इसलिए लोकल स्तर पर अब कन्हैया जी की यूनियन क्या करती है मैं नहीं जानता, हमारी यूनियन जो वहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है, आप उनके पास जाइए, उनको कहिए हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। हमारे ऊपर दबाव बनेगा, आप 20 तारीख तक साथ धरना देंगे, अपने अपनी जगह पर चले जाएंगे, कितना दिन तक को यहाँ रहेगा। लेकिन वहाँ जा करके भी अपना ये काम लगातार आप, हमारी यूनियन जो वहाँ पर है लोकल स्तर पर, साउथ में है, ईस्ट में, हर जगह है, भारतीय मजदूर संघ से संबंध यूनियन, उनके पास आप जाइए, उनको कहिए वो हमको दबाव बनाएंगे, बर्फ बनाना हो। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जिसको भी बात करना हो हमारे भारतीय मजदूर संघ से, हम लोगों से, हमारी कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, हम दिन रात 24 घंटा आपसे, आपके लिए, आपकी बात करने के लिए हम तैयार हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। हम रेलवे बोर्ड पर हम मान्यता में नहीं है लेकिन भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हम उसके माध्यम से दबाव बनाना चाहते हैं, वही दबाव बना रही है। इसलिए हम अपनी दर्द को समझ रहे हैं और अपनी बात को अपने अपने जोन में जाते हैं। अगर जोन में बोलना तो जैसे भी लोग जहाँ कट्ठे नहीं होते, आप मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या यहाँ आप अभी बात करके मान लीजिए मदन जी पूरा प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करके मदन जी आपसे बात करा देंगे, हम भी ये पत्र लिख देंगे, पत्र लिख करके हमारा भी पत्र भी चला जाएगा। आप एक निश्चित सीमा तक यहाँ पर धरने पर रहेंगे, उसके बाद आप लोग भी जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ चले जाएंगे। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर इतने लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, तो इनको क्लियरिफाई कर लेना इनको मैं क्लियरिफाई कर लेता हूँ। तो मित्रों मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ तो जो हम आप दबाव बनाएंगे बनाएंगे बना ही रहे, करना उस जोन को है, करना उस जोन को है। तो जोन पर जो GM की एक्सीजेंसी पावर है 20% जिसको आप विड्रॉ किया है, ये सॉरी 20% नहीं 20%
एक्ट अप्रेंटिस आरआरबी से रिक्रूट करने की सर्कुलर निकाल करके विड्रॉ किया है। लेकिन जीएम की स्पेशल पावर से जो रोज भर्ती हो रही है और जीएम की स्पेशल पावर से जो टीएडी के भर्ती होता है वहां पर आपकी भर्ती हो, ये दबाव बनाने के लिए लोकल यूनियन को के ऊपर दबाव बनाइए कि आप इसके लिए दबाव बनाइए। ये मेरे आपके कहने का भी है, वहां भी आप दबाव बनाइए यूनियनों के ऊपर। हमने लोकल स्तर पे 100 नहीं कई बार प्रोग्राम दिया, ठीक है ना, मैंने कई प्रोग्राम दिया, जहाँ तक कि मैंने जीएम के कार्यालय में प्रोग्राम दिया, जीएम ने एक ही शब्द का प्रयोग किया कि आपका मैं ज्वाइनिंग यू का भी देता हूँ, बट आप रेलवे बोर्ड से आप लेटर लिखा के लाओ और मैं अभी मैं जॉब लेता हूँ। ये बिल्कुल मैंने ऑल 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 सत्रह जोड़ के सत्रह जीएम ने यही बात बोला है। सब ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये कब हुआ है? जब आपका ये 20% वाली आदेश निकली और ये एक्सीजेंसी पे जो भर्ती होता था उसको विड्रॉ किया, क्योंकि मैं अपनी रेल का जानता हूँ, मैं दूसरे रेल का नहीं बता पाता उसमें आपने क्या किया है। वहाँ तो आप लोग जो फीडबैक देंगे वो है। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बिलोंग करता हूँ और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो हुआ बता रहा हूँ कि आज 3 साल से वहाँ रुका हुआ है उसमें, लेकिन उसके पहले ये नहीं रुका था, कोई भी नहीं रुका, सब धीरे 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 अफसर रोड पे चला गया। तो 3 साल की तो समस्या है, रेड वाला बता रहा हूँ, मैं आपको बता के आ रहा हूँ भैया। मित्रों, आप मूल जगह पर अपने आंदोलन को रखे हैं, ये जरूरी है, आवश्यक यही है, क्योंकि जो भी आदेश होंगे वो रेलवे बोर्ड की आदेश जाते हैं और रेलवे बोर्ड आदेश पर काम करता है। पुनः मैं अपनी बात को आपको दोहरा रहा हूँ, रेलवे बोर्ड की आदेश गया कि आपको आरआर जो ये जो सी से जो रिक्रूटमेंट है उस पर 20% रखने के लिए, रेलवे बोर्ड का आदेश गया कि जो जीएम का एक्सीजेंसी पावर है उस पावर में जो अप्रेंटिसों की भर्ती होती है उसको रोक दिया करने, उस पावर को खत्म नहीं किया, और वो उस पावर पर लोकल जीएम अप्रेंटिसों को न रख करके दूसरे लोगों को ओपन मार्केट में रखता है। हमारा कहना है कि लोकल लेवल पर लोकल जीएम अप्रेंटिसों को उस पर भर्ती करे और रेलवे बोर्ड अपने इन आदेशों का विड्रॉ करे। इसके लिए तो आप सब लोग बैठे ही हुए, सारे लोग उसी लेने बैठे हैं विड्रॉ करने के लिए। सारे भाई ध्यान सुनिएगा, सर बोले हैं कि आप हमारी यूनियन से आपने लोकल स्तर पे संपर्क करें, ठीक है सर, हमने यहाँ का कोई जोन का बंदा ऐसा नहीं होगा कि अपने जोन में किसी भी यूनियन के पास ना गया हो, अगर ऐसा कोई बंदा है इसमें तो हाथ उठा दे भाई कि अपने यहाँ जितने जोनल है कि किसी के नहीं गए हो आप लोग। हम सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात, मैं जितनी जो पूरी मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात, आउट से करते हैं सारे अधिकारियों अपनी अपनी लिमिट होती है, ठीक है, अगर वो क्यों चाहेंगे कि हम अप्रेंटिसों का हो, उनके यहाँ बंगला पीन होते हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ बंगला पीन रखते हैं और सारे लोगों को रखते हैं, अगर उनसे वो सेवा लेकर उनको रख रहे हैं कि हमको रखेंगे, हमसे उनसे क्या फायदा बताइए, वो तो बंगला पीन को रखेंगे ना। जब आप दबाव यूनियन यहाँ बना सकती है कि आप अप्रेंटिसों को रखें क्योंकि यह स्किल्ड है, वो तो सब्जियाँ काट कर जाते हैं, उनको क्या स्किल्ड है, प्रधानमंत्री की जो कर सकते हैं स्किल इंडिया बनाए हैं वो तो क्या आप बोलने ना, नहीं इनको साथियों हमारे बीच समर्थन के लिए आए हैं, वो प्रयास करेंगे, ठीक है, हमारे क्वेश्चन जायज हैं सभी के, मगर एक दो साथी से जोनल लीडर बोल सकता है, प्रॉब्लम सभी की है, जोनल लीडर बोल सकता है, समर्थन के लिए आए ये कोशिश करेंगे, ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन देने की बजाय जोनल लीडर को सही तरीके से नहीं कहा, लेकिन हमारे भाई ने जो बताया, मैं अपने पूर्व में आते ही मैंने पूछा था ईस्टर्न रेलवे के कौन कौन लोग हैं बताओ, ईस्टर्न रेलवे के लोग हमारी यूनियन को अप्रोच किए, तब वो हमको अप्रोच किए, है ना, साउदर्न रेलवे के लोग हमारी यूनियन को अप्रोच किए, तब वो हमको अप्रोच किए,
तो ये मैटर हमारे पास आया, हमारे पास जब आया तो हम इसको जो है 2 साल पहले से हम इसको रेज किए। इसी तरीके से आप हमारी यूनियन के पास जो वहाँ पर आए उनके पास जाए, उनको आप कहिए, आप अपने फेडरेशन पर आप दबाव डालिए कि हमारे इस केस को लगातार वो चेंजिंग करें। मैं ये नहीं कर रहा, हमारी यूनियन, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा मित्रों। पुनः आप सब लोगों को मैं समझता हूँ कि मेरे पास जितना था उतना मैंने आपको दे दिया और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया और आगे भी हम करते रहेंगे, हम इसके पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारा एक बात है, क्योंकि आप अगर आएंगे तो वो आपके परिवार के लिए जो होगा, आपके भविष्य के लिए जो होगा होगा, हमारे लिए भी आप फायदेमंद होंगे, हमारे लिए भी आप मजबूत बनेंगे, ये भी मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप सब लोगों को पुनः एक बार आगे ये आंदोलन आपकी और मजबूत हो ये शुभकामना देते हुए, सफलता आप तक पहुंचे इसकी भी शुभकामना देते हुए हम अपनी बात को विराम देंगे। भारत माता की, भारतीय यूनियन संघ जिंदाबाद, 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 रेलवे यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनियन जिंदाबाद।